रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा इंट्रोडक्शन है खालिद अब्दुल्ला गाजी और मैंने पीटीआई के टिकट पर सोनी से एमएनए का इलेक्शन लड़ा था और आज के जो हालात चल रहे हैं और उनको देख के बहुत ही ज़हनी परेशानी बन रही है, दिल बड़ा गर्दीदा है। तो खान साहब ने तो प्रॉमिस किया था नेशन के साथ कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे और जब भी खान साहब मदीना जाते थे तो वहाँ पे जूते भी उतार लेते थे, लेकिन आज उनका जो तर्ज़ अमल है वो उसका बिल्कुल ही मुख्तलफ है और वो आशिकान रसूल जिनकी ज़बान पे दुरू शरीफ है उन पे गोलियाँ बरसाई जा रही हैं और अगर उनके साथ इनका कोई इख्तलाफ था तो उनका घेराव किया जा सकता था, उनको नज़रबंद किया जा सकता था, उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था, लेकिन आशिकान रसूल पर और उस मुल्क में जो बना ही कलमे के नाम पे हो और ये सब मामलात मेरी नेशन कौम भी देख रही है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान तो इस काम में शामिल हैं, इस खून में शामिल हैं और मैं उस जमात का हिस्सा नहीं रह सकता जो मेरे सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हों और हमारी आल औलाद, हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ हमारे मोहम्मद पे कुर्बान हो जो उनके आशिकों पे गोलियां बरसाए और उसकी जमात में हम रहें। ये मेरी ताकत में ये चीज़ नहीं है, ये मेरे ईमान का हिस्सा भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये जो मुनाफ़िकत है, जो कौम भी सोई हुई है और पॉलिटिकल पार्टियां भी सोई हुई हैं अपने अपने मुफादात की खातर, और मैं समझता हूँ कोरोना बहुत छोटी बीमारी है, बहुत छोटी आजमाइश है, हमारे लिए तो इससे बड़ी बड़ी आजमाइशें आनी हैं जो हमारा तर्ज अमल है, जो हमारी मुनाफ़िकत है और जो हम आशिकान रसूल के साथ इस धरती पर कर रहे हैं, हमारा बचना बहुत ही मुश्किल है। अब भी मैं कहता हूँ खान साहब, आप तौबा कर लें, आप अल्लाह से माफ़ी मांग लें, आपने एक दिन मरना है, आप 70+ हैं, आपने एक दिन मरना है। इस्टेब्लिशमेंट के भी जो जितने भी लोग हैं ये भी 70-60+ हैं, इन्होंने भी मरना है। तो हमने अपने मोहम्मद को, अपने अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आखिरत बेहतर कर लें, इस मुल्क पे रहम करें, इन पे गोलियां बरसाना बंद करें और अगर यही तर्ज अमल रहा तो आप अल्लाह के कहर से बच नहीं सकेंगे और मैं आज के बाद आपकी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। मैं पीटीआई की बुनियादी रुकनीत से रिज़ाइन करता हूँ और ख़ान साहब अगर यही आपका अमल है तो आप पर बेशुमार 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 है मेरी तरफ से।